इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की उस मस्जिद के पास खड़ी हूँ जहाँ पुलिस ने घुसकर मार पिटाई की। मैंने यहाँ के इमाम से बात की, उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बताया वो बहुत ब्रूटल था। दैट वाज मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मस्जिद में घुस के जो लड़कियां थी वहाँ पे, स्टूडेंट्स थे, सब पे लाठी इस कदर चार्ज की कि हाथ पैर तोड़ दिए उनके, और इमाम साहब को भी लाठी वाठी मारी उन्होंने। इन्होंने लाठी मारी इमाम साहब को। इमाम साहब बता रहे थे कि लड़कियों के पैर पे इतना मारा कि उनके दोनों पैर टूट गए। मतलब मेरी तो रूह कांप रही है सुनकर ही। उस वक्त क्या माहौल रहा होगा मुझे नहीं पता, और फिलहाल मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का इकट्ठा खड़े होना अलाउ नहीं है यहाँ पर। क्या हो रहा है, मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लड़कियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, निहत्ते स्टूडेंट्स लड़कियां उन पे लाठी इस कदर चार्ज कर रहे हैं हम जैसे वो कोई आतंकवादी हों। सच में बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई जैसे तालिबानी शासन लागू कर दिया गया है यहाँ पे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लड़कियों को क्यों मार रहे हो, मस्जिद में घुस के मार रहे हो आप क्यों? इमाम साहब ने बचाने की कोशिश की, इमाम साहब ने अनाउंस किया कि अंदर मत आइए मस्जिद के, लेकिन पुलिस फोर्स फिर भी मस्जिद के अंदर घुस गई, और बच्चियां जो खुद को बचाने के लिए मस्जिद के अंदर घुस गई थी उनको मारा है बहुत। पता नहीं मैं क्या बोलूं, इस वक्त माहौल बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। और इमाम साहब ने कैमरा के सामने आने से मना कर दिया है, तो इसलिए मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुना नहीं पाई, लेकिन सच बता रही हूँ जो कुछ भी मैंने सुना मेरी रूह कांप रही है। सच में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे लग रहा है ये बहुत बुरा है जो भी हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ की रिकॉर्डिंग, यहाँ पे लोग इस वक्त, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है इनको सुनने वाला, यहाँ पे कोई भी नहीं है इनकी बात सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ना आपको दिखाने वाला कोई है। यहाँ पे पुलिस आने नहीं दे रही है, और शायद मिनिस्ट्री मीडिया खुद भी नहीं आना चाहती यहाँ पे, और हम भी कैमरा लेकर नहीं आ पाए क्योंकि हमने सुना कि यहाँ कैमरे की तोड़फोड़ कर दी गई, छीन भी लिया कैमरा। तो मैं बार बार लाइव आके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे जो भी माहौल है, जो मैं देख पा रही हूँ ये सच में बहुत डरावना है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर ये हाल हैं तो मैं कैसे कहूँ बाहर कितना सेफ होगा। अगर दिल्ली सेफ नहीं है तो मेरे ख्याल से पूरा देश ही सेफ नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि यहाँ के हालात जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं आप दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मीडिया इस चीज़ को दिखा रही है। कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि न्यूज़ पे तो कुछ भी नहीं बता रहा, न्यूज़ पे सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ जामिया में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद यहाँ क्या हुआ वो यहाँ आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया यहाँ तक आई ही नहीं। अंदर कोई भी मीडिया नहीं है, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है अंदर। आप देख सकते हैं फिलहाल पूरी रोड खाली है, यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस जा रही है या फिर पुलिस की गाड़ियाँ। हम अंदर गए थे मस्जिद तक, मैंने आपसे कहा था मैं मस्जिद में जाके आपको बताने की कोशिश करूंगी वहाँ क्या हुआ। इमाम साहब ने मुझे बताया कि गेट कूद कूद के पुलिस आई, और अंदर जो भी बच्चे भागे हैं डर से, पिटने के डर से, जो भी लड़कियां थी स्टूडेंट्स थे उन सबको मारा है बहुत बुरी तरीके से, इतना मारा है कि पैर टूट गया उन बच्चियों का। सच में अगर लड़कियों के साथ ये बेटी बचाओ वाला नारा ये फजूल है, ये सारी चीज़ों से बकवास है वोट बैंक के लिए, मुझे लग रहा है बहुत ख़राब हो रही हैं चीज़ें। फिलहाल मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी आगे जो भी होगा। पुलिस ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने मारे पत्थर, मतलब ये
लड़कियों को नहीं छोड़ा, लड़कियों को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए था। निहत्थे हैं वो बच्चे, उन्होंने कोई सेफ्टी जैकेट, आप पुलिस की तरह हेलमेट या पुलिस की तरह सेफ्टी जैकेट या उनके पास गन, ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। वो आतंकवादी नहीं है, आप वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर, तो ये उनका हक है, उन्हें करने देना चाहिए। तो अभी हम जामिया के कैंपस के अंदर जा रहे हैं गेट नंबर 8 से, और अंदर से आपको बताएंगे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। जाने दिया जा रहा है हमें फिलहाल अंदर, हम अंदर जाके आपको अंदर के हालात भी दिखाएंगे। वैसे जो बच्चे फंसे हुए थे उनको शायद निकाला जा चुका है, अभी भी कुछ बच्चे हैं। जब मैं मस्जिद में गई थी तो वहाँ कुछ लड़कियाँ थीं जिन्हें कुछ लोग शांति से घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो शायद उस वक्त वो छुपी थी, उस वक्त अपनी सिक्योरिटी के लिए जहां घुस के उनको मारा गया। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें घर ले जाया जा रहा है। कुछ जिनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। बहुत बुरा है सच में, मैं आपको बताती रहूँगी जैसा भी जो भी होता रहेगा। अभी हम जामिया के कैंपस के अंदर आ चुके हैं, जहां मुझे हर जगह पत्थर पत्थर नज़र आ रहा है। जामिया के अंदर है पत्थर, बाहर से पुलिस वालों ने कैंपस के अंदर पत्थर फेंका है बच्चों पे, जबकि पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि बच्चों के सर पे ना कोई हेलमेट होता है ना उनके शरीर पे कोई जैकेट जो उनको सेफ्टी दे, फिर भी वो बच्चों को मार रहे हैं इस कदर, जैसे वो बच्चे नहीं हों, हमारे देश के भविष्य नहीं, वो कोई आतंकवादी हैं। बहुत बुरा है ये सच में। मैं थोड़ी देर में फिर से आपको रिपोर्ट करूंगी, फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जिसने ये हालात अपने आंखों से देखा हो वो हमसे बात कर सके। मैं आपको थोड़ी देर में फिर से मैं लाइव आके आपको बताऊंगी।